बढ़ते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नटवर लाल अपने ससुराल गया था, तभी वहां ससुराल वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी बनाया गया जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जरा आप भी देखिए। पेड़ से बंधे रिश्ते, रिश्तेदार पर जुल्म, पेड़ से बांधकर की बेरहम पिटाई। रिश्तेदारों की ये कैसी खातिरदारी, तमाशबीनों का जमावड़ा है। एक शख्स पेड़ से बंधा पड़ा है और दूसरा शख्स उसका वीडियो बना रहा है। बंधक बनाए गए शख्स के दोनों हाथ और पैर किसी कपड़े से बंधे हैं और चेहरे पर सूजन है। मतलब ये कि सिर्फ एक शख्स को बंधक नहीं बनाया गया है बल्कि पीटा भी गया है। लेकिन सवाल है, क्यों, कौन है ये शख्स, इसकी हालत क्यों की गई और क्यों ये शख्स खुद को जान से मार देने को कह रहा है। तोहर की हो तो से तोरा पता है, तोहर की हो तो से तोरा पता है, बच जाने पर वीडियो बनाने वाले शख्स को चीर देने की धमकी दे रहा है। अभी ले पूछो ना कल ये हुआ, अभी ले पूछो ना कल ये हुआ, झूठो का। दरअसल मामला बेहद पेचीदा है। बंधक बनाया गया ये शख्स दामाद है और उसका नाम नटवर लाल है, जबकि वीडियो बनाने वाला शख्स उसके ससुराल पक्ष का है। वैशाली जिले के महुआ गांव का रहने वाला है और मुजफ्फरनगर के सुमेरा गांव अपने ससुराल आया था। तभी ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे बंधक बना लिया। ससुराल पक्ष का नटवर लाल पर आरोप है कि वो उनकी बेटी के साथ मारपीट करता है, दहेज की मांग करता है, जबकि नटवर लाल का कहना है कि उसकी पत्नी किसी और से फोन पर बात करती है। इसी विवाद को सुलझाने के लिए जब वो अपने ससुराल आया तो ससुराल वालों ने उसे बंधक बना लिया और जमकर पीटा। मामले की जानकारी पुलिस को हुई तो नटवर लाल को छुड़ाया गया। ये दामाद और ससुर के बीच में झगड़ा है, उसके परिजन के बीच में झगड़ा है। दामाद ससुराल आया था, पूर्व से उसका दामाद और पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा चल रहा था, इसी को लेकर के उसके ससुराल पक्ष ने उसके साथ मारपीट किया है। खबर पुलिस को मिली है, पुलिस ने वहाँ पर पहुँच गई है, उसको कब्जे में ले लिया गया है। जिसको मारपीट सात दिन के साथ मारपीट की गई थी उसका विधिवत हम लोग ने मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल करवाने के बाद उनका यदि कोई बयान देते हैं उसके विधिवत हम लोग कार्रवाई। पुलिस कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, आरोपियों को सजा देने का दम भर रही है, लेकिन मामूली से विवाद में एक परिवार टूटने की कगार पर खड़ा हो गया है। पूरे मामले में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये जांच का विषय है। लेकिन इस घटना के बाद एक बात तो साफ हो गई है, एक रिश्ता टूटने की कगार पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।